लॉकडाउन पार्ट 3 की शुरुआत हो चुकी है। 17 मई तक ये जारी रहने वाला है। अलग अलग राज्यों से मजदूरों की घर वापसी की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि लॉकडाउन में बंद हुई फैक्ट्रियों को रीस्टार्ट करने का मंत्र क्या है। मजदूरों का वापस घर जाना ही इस परिस्थिति का इलाज है। सहयोगी श्वेता सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन में कामकाज को रीस्टार्ट करने के सूत्र योग गुरु रामदेव की फैक्ट्री में भी उन्होंने देखे। लड़ाई में एक हिस्सा है कि आप किस तरीके से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, लेकिन जो इसेंशियल चीजें बन रही हैं, जिनका प्रोडक्शन हो रहा है और जिनको कुछ रियायतें भी दी गई 20 अप्रैल के बाद, उन प्रोडक्शन यूनिट्स पे क्या चल रहा है। तो आज हम स्वामी रामदेव से चर्चा तो करेंगे तमाम मुद्दों पर, लेकिन इस सवाल का जवाब जरूर लेंगे क्योंकि यहां पर हम पतंजलि के इस फूड पार्क में हैं और आप तो इसेंशियल आइटम्स से लेकर यहां पर इम्यूनिटी से लेकर हम कहें तो मेडिकल भी, क्योंकि सैनिटाइजर भी बनता है यहाँ। तो आज आप हमारा टूर कराएंगे यहाँ का। हाँ, हमने पतंजलि और रुचि सोया दो बड़े ग्रुप्स हैं जिनको हम चला रहे हैं। यहाँ पर करीब हमारे पास में महीने में 5 लाख टन प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जिसमें घी तेल से लेकर के हैंड सैनिटाइजर, हैंड वॉश, बाथिंग सोप्स, जो सैनिटाइजेशन के लिए जितने भी चीजें प्रयोग होती हैं। हमने शायद एक दिन ये फैक्ट्री बंद रही होगी पूरे लॉकडाउन के दौरान। हमने सेकंड डे से ही सारे चीज़ों को, नॉर्म्स को फॉलो करते हुए, क्योंकि हम सारे के सारे फूड प्रोडक्ट बनाते हैं, घी, आटा, तेल और जो भी दाल चावल सब कुछ मसाले, तो दूसरे दिन से ही हमने पहले 1/3 कैपेसिटी को चालू किया, फिर हाफ अब फुल प्रोडक्शन पर 24 घंटे यूनिट चलती है। तो हम अंदर चलते हैं। जरूर। इम्यूनिटी के लिए खाया जाता है च्यवनप्राश, पर क्या च्यवनप्राश बनते हुए भी एक सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है? केंद्र सरकार ने जो कहा कि कर्मचारियों की संख्या कम रखनी होगी, उन चीजों का ख्याल रखा जा रहा है अव्वल ये। और स्वामी जी, मैंने च्यवनप्राश आपका हमेशा बनते देखा पतीलों पर, आज मैं देख रही हूँ पतीले पीछे रखे हुए हैं और च्यवनप्राश यहाँ मशीन पर है। श्वेता जी, पहले तो डिस्टेंस मेंटेन रखने के लिए, जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो नियम बनाए गए उसकी हमने पूरी बुकलेट ही बना रखी है, और ये सारे प्रोटोकॉल करीब 2 लाख लोग पतंजलि रुचि सोया के प्लांटों से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूशन में सब लोग काम करते हैं, तो सब प्रोटोकॉल का हम लोग पालन करते हैं। जहाँ तक आपने च्यवनप्राश की बात पूछी, तो जो पीछे पतीले रखे, ये पतीले पहले मैं 10 रुपये का उधार में, मतलब किराए पर लाया करता था, और उसके बाद हमने फिर धीरे धीरे 25 सालों में चीज़ों का ऑटोमाइजेशन किया। अब ये जो च्यवनप्राश बन रहा है, पहले इसको हाथ से घोटा करते थे, मैंने खुद घोटा है, और अब इसका पूरा जो है यांत्रिकीकरण कर दिया गया है। तो कोरोना के समय में बिना छुए अगर किसी, बिना इंसानों के उस तरीके से मशीन का ज़्यादा प्रयोग, ये बेहतर है ये कोरोना के संकट काल में भी, और यदि आप इसको हाइजीन की दृष्टि से भी देखें तो बिना किसी हैंड टच के पूरा पतंजलि का ही च्यवनप्राश तैयार होता है, और उसके लिए पूरा ही जो प्लांट आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा प्लांट है वहाँ से लेकर के और आगे दूर तक। तो क्योंकि इस समय, यद्यपि इसका मेन सीजन तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आता है, लेकिन अभी डिमांड इतनी है कि सारा मार्केट से च्यवनप्राश खत्म हो गया था, इसलिए नया बैच बनाना पड़ रहा है। बोतल तो निकल रहे हैं, इन बोतलों के बीच कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। सोशल डिस्टेंस उनके हिसाब से है, माने उनमें करीब 1 फीट का फासला रहता है एक एक डब्बे के बीच में। यहाँ करके फिर ये ऑटोमेटिक वहाँ से पूरा च्यवनप्राश तैयार हो करके पाइपलाइन से नीचे आ जा रहा है, और नीचे आने के बाद में फिर यहाँ पर 1 किलो एक एक डब्बे के अंदर ऑटोमेटिक भरा जाता है। भरने के बाद में
फिर ये च्यवनप्राश आप देख रहे हैं, ये इस तरह से ये आप देख रहे हैं गर्म गर्म है, आप हाथ लगा के देख सकते हैं। और इसके अंदर भरने के बाद में फिर उसके ऊपर ढक्कन लगाया जाता है, ढक्कन लगाने के बाद में इसको फिर सील कर देते हैं और फिर ये ऑटोमेटिक उसके अंदर चला जाता है पेटी के अंदर। तो कहीं पर भी जो च्यवनप्राश है वो हैंड इसमें टच नहीं होता है, ऑटोमेटिक पूरा का पूरा सिस्टम है और 100% इसमें हाइजीन को मेंटेन किया जा रहा है। और जो लोग काम भी कर रहे हैं वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए यहाँ पर लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम ये च्यवनप्राश दे रहे हैं। तो ये सैनिटाइजर का प्लांट है, जो कि आज की तारीख में सब चाहते हैं कि हाथ स्वच्छ रहें और साफ रहें, तो ये सैनिटाइजर यहाँ पे। लेकिन स्वामी जी, आपने स्टाफ घटाने को लेकर जो सरकार की तरफ से कहा गया वो क्या किया गया है? हमने लगभग 50% यहाँ स्टाफ कर दिया है और 3 शिफ्ट कर दिए हैं और हमने एक भी आदमी को नौकरी से नहीं निकाला है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, सोशल डिस्टेंस को भी मेंटेन रखा है और लोगों की रोजी रोटी का भी ध्यान रखा है कि एक भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं होना चाहिए। कुछ एसेंशियल चीजों के लिए, जो एसेंशियल कमोडिटीज, खाने पीने की चीजें, अगर उधर भी चलते हैं। शुरू में जब आप लोगों ने एसेंशियल चीजों का प्रोडक्शन ऑन रखा तो क्या आपको सप्लाई में दिक्कत आई थी? शुरू में 2-3 दिन जरूर दिक्कत आई, गेहूं की भी सप्लाई पूरी नहीं हो पाई और ट्रकों की मूवमेंट में भी बहुत दिक्कत आई। तो हमने पीएमओ में भी बात की, होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी से भी बात की और 3 दिन के अंदर ही उन चीज़ों को फिर ठीक कर लिया गया। और आज करीब हमारे 1000 से ज़्यादा अपने ट्रक्स हैं पतंजलि के, और आटे से लेकर के, दलिया से लेकर के, बेसन से लेकर के, घी, तेल, मसाले सब हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। हमेशा से स्वदेशी का कॉल देते थे और आज जो है वो समझ में आ रहा है कि आत्मनिर्भरता कितनी आवश्यक है। तो उसमें स्वदेशी एक बार फिर ये बता रहा है कि स्वदेशी अगर रहेगा तो चाहे दुनिया से हमारा संपर्क कटा रहे लेकिन भारत में कोई दिक्कत नहीं है। स्वदेशी का जो हमने संकल्प इस देश के सामने दिया वो इसी दृष्टि के साथ दिया कि हर क्षेत्र में देश आत्मनिर्भर हो, स्वावलंबी हो, और इसी आत्मनिर्भरता ने भारत को आज तक इस जंग में मजबूती से खड़ा करके रखा हुआ है।